लैम बिरयानी ऑर्डर किया था, जो लैम थी परफेक्टली कुक थी और मसाला एकदम परफेक्ट था, नॉट टू स्पाइसी नॉट वेरी ब्लैंड, इट वाज वेरी गुड। जनाब कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सीन कुछ ऐसे है, आज मैं आया हूँ यहाँ पे रियाद में, माशाल्लाह से बहुत ही एक फेमस रेस्टोरेंट है, शोले रेस्टोरेंट, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बड़ा नाम सुना था इनका, तो मैंने सोचा इनके खाने का टेस्ट करते हैं। सुना है इनके पास माशाल्लाह से जो कबाब है इनके, चिकन कबाब, मटन कबाब और स्पेशली इनकी बिरयानी और निहारी, उसके बारे में बहुत सुना है, तो आज ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ कुछ चीजें ऐसी, तो आपको लेके चलते हैं। आइए Kitchen visit. ये क्या बना रहे हैं भैया? चिकन पालक है भैया, कौन से स्टाइल की चिकन पालक है? पाकिस्तानी इंडियन दोनों है। बहुत अच्छी वैरायटीज हैं, वैसे तो मैंने खाने में निहारी और बिरयानी वगैरह ऑर्डर की है पाकिस्तानी फूड अपनी, लेकिन क्योंकि उसमें टाइम है तो मैंने सोचा कुछ स्टार्टर में खाएं, तो स्टार्टर में मेरा दिल कर रहा था लाइक ये फ्राइज वगैरह खाऊं, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मुक्की हुई मिली हुई है, ये ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनका ये कबाब ट्राई करूंगा, ये मटन कबाब है और ये देखें ये सॉसेज है, इसी के अंदर भाई इसको मैं लगा के खाऊंगा। उफ, माशाल्लाह बहुत ही आला भाई, ठीक है। और ये फिश है, ये देखें इसकी, देखें फिश भी अच्छी है जी। ये है इनका बिहारी कबाब, सॉरी बिहारी कबाब, ये देखें ये बिहारी कबाब है, इसका बड़ा नाम सुना है मैंने, ठीक है। तो ये टेस्ट करते हैं, वाह अल्लाह भाई, जरूर ट्राई करें ना, बात करेंगे माशाल्लाह से। ये भी वाह यार, माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट
वेल स्पाइसी, और सबसे मेन चीज है कि देखते ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये चिकन पालक थी, खाई है अमेजिंग, निहारी भी निहारी बहुत ही मजे की थी। इन द लास्ट मैं बिरयानी इनका ट्राई करने लगा हूँ। देखिए ये मटन बिरयानी है, ये देखिए जरा, तो मटन बिरयानी इनकी ट्राई करते हैं। ओके बहुत ही मजे की भाई बिरयानी, बहुत ही मजे की। आप उसके राइस देखिए, राइस कितने प्यारे वेल कुक हैं इनके, वाह। सीरियसली मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप इनके रेस्टोरेंट पे आए, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं इनकी, तो लाजमी आए इनके रेस्टोरेंट पे और ये लाजमी टेस्ट करें। Restaurant staff.